नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कांग्रेस में आंतरिक कलह किसी से छिपी नहीं, बार बार आंतरिक कलह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम के साथ करने के बाद बड़ा विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ कि एक और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब 10 Flashpoints 20 Years सामने आ गई, जो पूर्व की मनमोहन सरकार के कुछ फैसलों को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की इस किताब पर अब छिड़ गया है सियासी घमासान भी। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में अपनी ही पार्टी की मनमोहन सरकार पर सवालिया निशान लगा दिए और लिखा है कि मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी एक्शन करना चाहिए था। 26/11 आतंकी हमला साल 2008 में हुआ था। उस समय देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार थी। कांग्रेस के मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। ऐसे में मनीष तिवारी ने अपनी किताब में जो कुछ भी लिखा उसमें मनमोहन सरकार पर डायरेक्ट सवाल उठाए गए। भले ही मनीष तिवारी को उनकी किताब अभी मार्केट ना आई हो, लेकिन सियासी गलियारों का पारा जो है वो अभी से चढ़ चुका है। BJP और डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस पूरे मसले को लेकर, इस किताबी बम को लेकर क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आप। उस समय राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमको एक्सरसाइज करना चाहिए था, सारी दुनिया की सिंपति हमारे पास थी। उसके बावजूद भी UPA सरकार ने एक किस्म से नर्वसनेस दिखाई, जिससे हिंदुस्तान की छवि बर्बाद हुई। हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक के रूप में निकला और पाकिस्तान ने उसका बेहद फायदा उठाया आने वाले समय में। आपको क्या लगता है सर, किस तरह चाहिए था? क्योंकि अगर इतने आतंकवादी अगर मुंबई में घुसे तो इंटेलिजेंस इनपुट भी कहीं ना कहीं फेलियर रहा, आपको लगता है? बिल्कुल उसी माफिक होना चाहिए था जिस माफिक अमेरिका ने किया 9/11 के बाद में, या जिस माफिक इसराइल करता है, या जिस माफिक मोदी सरकार ने किया पुलवामा के बाद में और उरी के बाद में। हमको भी लार्ज स्केल सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए थी और पाकिस्तान को साफ तौर पर दर्शाना चाहिए था कि हिंदुस्तान कतई इस माफिक के हादसों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, मनीष तिवारी जी ने जो अपने पुस्तक में, अपनी किताब जो लिखी है उसमें जो कहा है, मैंने कहा उसमें तो सिर्फ सच्चाई धराई है, जो हकीकत थी वही उन्होंने आगे की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कहना गलत होगा कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सच्चाई तो ये है कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ठोस हो या ठोस ना हो। तो कार्रवाई जब होती नहीं है तो ये कहना कि वो कार्रवाई, तो मैं समझता हूं वो इस प्रकार से सही नहीं है। आज स्पर्श हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। हर भारतीय ये बात कहता था, देश ये बात जानता था, BJP भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। ऐसे में सवाल है, मनीष का किताब बहाना आखिरकार कहां है निशाना? बहुत बड़ा सवाल। मनीष का अपनी ही सरकार पर क्यों है ये किताबी वार? किताब बहाना कहां है निशाना, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्यों कांग्रेस सरकार ने 26/11 हमले का जवाब नहीं दिया जब देश की सेना तैयार थी? अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्या UPA सरकार ने आतंकवादियों पर सख्ती नहीं बरती? क्या जो उनकी अप्रोच थी आतंकवाद को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, वो ढुलमुल रवैये वाली थी? कब तक दूर होगी कांग्रेस की आंतरिक कलह जो बार बार निकल कर खुलकर सामने आती है? और बार बार कांग्रेस के अंदर ये क्यों उठ रहे बिगड़े हुए सुर जो कांग्रेस को ही मुसीबत में डाल देते हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस समय BJP प्रवक्ता दिनेश सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस नेता विजय कौशिक हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। के विक्रम राव भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस समय उपस्थित है।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत राव साहब। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विजय कौशिक जी आप ही के साथ, क्या कहेंगे आप मनीष तिवारी के इस किताबी बंपर? आखिरकार क्यों कांग्रेस के नेता कांग्रेस की ही फजीहत करने पर तुले हुए नजर आ रहे हैं? सलमान खुर्शीद का मामला ठंडा नहीं पड़ा कि एक और किताबी बम मनीष तिवारी लेकर आ गए? एक तरफ तो भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस नेता किताब बेचने के चक्कर में इस तरह की बातें लिख रहे हैं। जब एक किताब बेचने वाली बात है तो ये एक धंधा है। अब ये चाहे धंधा कैसा भी हो, अगर वो इसके माध्यम से किताब बेच रहे हैं तो ये उनका निजी मामला है, इसमें कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, उन्होंने मुद्दा उठाया है कि जो हमारे देश पर मुंबई में जब हमला हुआ था तो सरकार, लेकिन कांग्रेस कुछ कैसे नहीं कर सकती? सर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है ना, आपने कहा कि उनका निजी मामला हो सकता है, किताब बेचने के लिए क्या कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी कहेंगे और कांग्रेस उनसे सवाल नहीं करेगी क्या? जी नहीं, ये काम जो है ना ये सरकार के जिम्मे है, क्योंकि जो संविधान है वो सरकार के द्वारा लागू किया जाता है जनता के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति गलत लिख रहा है तो सरकार उससे क्वेश्चन करे, अगर उससे समाज में एक वैमनस्य पैदा होता है तो सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। और एक बार कौशिक साहब की बात पूरी कर ले। मैं ये मानता हूँ जी बोलिए कि इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। सुनिए, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है। हाँ। कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ये दिखाने में विफल रही, जो एक उग्रता जो दिखानी चाहिए थी इस हमले के बाद, जैसे अमेरिका ने दिखाई या और कंट्रीज इजराइल जैसी कंट्रीज दिखाती हैं, उस उग्रता को दिखाने में हम कहीं चूक गए, इसलिए हमें सत्ता से बाहर होना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा होता है उसके देखने का एंगल अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति ही सर्वोपरि है, इस बात को स्वीकार करते हैं कि उस समय यूपीए गवर्नमेंट एक कमजोर गवर्नमेंट थी। किस बात को? कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई नहीं, यानी कि जो उग्रता हमें आप लोगों ने कमजोरी बरती। ना ना ना, कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो हुई। आप सुनिए ना, कार्रवाई शिल्पा जी देखो, कार्रवाई हुई, अच्छी कार्रवाई हुई, लेकिन जो उग्रता उसमें दिखाई देनी चाहिए थी वो हमारी सरकार ने वो उग्रता नहीं दिखाई, जैसी उग्रता अमेरिका या इजराइल दिखाते हैं। तो जो कुर्सी पर बैठा होता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं जी, अब प्रधानमंत्री जी फील्ड में तो है नहीं, सेना है, सेना बॉर्डर पर अपना काम करती है। आप सुनिए, अपना काम करती है, अब सेना को प्रधानमंत्री आदेश कैसे दे सकता है कि जाइए दूसरे देश पर हमला कर दीजिए? उस आदेश को देने से पहले उसे समीक्षा करनी होगी अपनी कैबिनेट के साथ या अपने रक्षा विशेषज्ञों के साथ कि भी हमला करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके परिणाम क्या होंगे। आपको मालूम है जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो अमेरिका ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ है। तो वर्ल्ड वार जैसे हालात कई बार खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। लेकिन इसी को तो मजबूती के तौर पर देखा जाता है ना कि कौन सी सरकार कितनी मजबूत है, कितनी मजबूती के साथ देश के दुश्मनों के खिलाफ फैसला ले पाती है। ठीक है, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश जी ये तो कह रहे हैं भाई आप जो कहानियां बनाना चाहते हैं बनाते रहिए, लेकिन ये अपनी जगह सही है, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, कार्रवाई लेकिन इन्होंने की है, उग्र कार्रवाई नहीं की, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। शिल्पा जी जो इन्होंने कौशिक जी ने कहा था वही मैं दोहराता हूं। देखिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कह रहा, आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, मनीष तिवारी कह रहे हैं, मनीष तिवारी कोई अहरे गहरे नेता तो है नहीं, या तो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी में, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सरकार में मंत्री रहे हैं, बिल्कुल वो सरकार में मंत्री रहे हैं और इस तरह की बात वो कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज हमको सबसे बड़ी अफसोस अभी इस बात की लग रही है कि अभी भी कौशिक जी तोहमत किस पर लगा रहे हैं? सेना पर लगा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को, क्या सरकार को सेना को कहना चाहिए? उस समय का स्मरण आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस समय भी जो तत्कालीन एयर चीफ मार्शल थे, उस समय फली उन्हीं मेजर जो थे, उन्होंने कहा था कि हमसे बहुत बड़ी सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई एक निर्णय लेने से। तो सरकार को निर्णय लेना पड़ता है और कौशिक जी ये कह रहे हैं कि देखना पड़ता है
कि दूसरे देशों का रवैया क्या होता। अगर ये देखना पड़ता है तो आज मोदी जी की सरकार है देश में, मोदी जी की सरकार ने देखा कि नहीं देखा, एयर स्ट्राइक किया कि नहीं किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले इस पर जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन मैं कौशिक साहब से चाहूंगी। ठीक है, ये कहां की बात है कौशिक जी, जवाब दे। कितनी अफसोसजनक और कितनी लज्जाजनक बात है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि यूपीए गवर्नमेंट उस समय की कमजोर थी क्योंकि पैसा नहीं ले पाई। अगर कोई सोचने समझने की जरूरत, देखिए बोलिए सर। नहीं नहीं नहीं, अगर भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक प्रधानमंत्री को सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं होती तो गलवान घाटी पर जब कब्जा चीन कर रहा था तो भारत को चाइना के ऊपर हमला कर देना चाहिए था, चाइना के साथ वार छेड़ देनी चाहिए थी। पाकिस्तान जो पीओके में बैठा है इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए पार्टी का दुर्भाग्य। अगर युद्ध छेड़ना सारी समस्याओं को बासठ में किया, यही काम इन्होंने बासठ में किया, सिस्टूटी को वार में चाइना के वार के ड्रामा बंद कीजिए। चलिए ठीक है सच्चा, ये प्लीज बंद है बंद। उनको आदेश ना देना, छेड़ना, उनके हाथ बांध देखना, युद्ध छेड़ना। और आज सरकार जाने के बाद फिर तो व्यक्ति विशेष सेना पर लगाएगा क्या? शर्म नहीं आती है तो आप छेड़ दीजिए भैया, आपको लज्जा नहीं आई? कांग्रेस तो 2611 के बाद और आप भी खड़ी, आप छेड़ दीजिए चीन के साथ युद्ध। विजय कौशिक साहब, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, ये किताबी बम किसने फोड़ा है? बीजेपी नेता ने या कांग्रेस नेता ने? ये मौका दिया किसने बीजेपी को? ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। राहुल लाल जी, क्या कहेंगे आप मनीष तिवारी की इस किताब में किए गए दावे पर, और क्या उस समय ये यूपीए गवर्नमेंट का संयम था या वाकई में कमजोरी थी जिस बात का जिक्र उन्होंने किया? राहुल लाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। के विक्रम राव हमारे साथ जुड़े हुए इसी सवाल के साथ। सर, आपके पास आते हुए क्या माना जाए, क्या समझा जाए मनीष तिवारी के इस दावे से? यूपीए गवर्नमेंट क्या उस समय संयम बरत रही थी या वाकई में बहुत कमजोर थी कि फैसला ही नहीं ले पाई, और खुद कांग्रेस नेता ही अब इस बात की खुलेआम किताब में क्या कहते हैं कि उसकी कमी गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हां हमसे गलती हुई थी, चर्चा कर रहे हैं। हाँ शिल्पा, मनीष तिवारी सच बोल रहे हैं बहुत देर से, सच बोल रहे हैं। चलिए देर से दुरुस्त है, वो केवल एक परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। हाँ। कांग्रेस की परंपरा क्या रही है? वो नेहरू वाली परंपरा रही विदेश नीति में। हाँ। चीन ने तिब्बत खा लिया, सरदार पटेल रोते रह गए, कुछ नहीं हो पाया, नेहरू शांत रहे। फिर लद्दाख, असम, कश्मीर का हिस्सा जाता रहा, कुछ नहीं कर पाए। ये एक परंपरा रही कि हम आत्मरक्षा नहीं कर पाएंगे, अक्षम है, यहाँ तक तो गनीमत ही सीमा तक। हाँ। लेकिन बिल्कुल हिंदुस्तान के हृदय में, बंबई में ताज होटल के पास जब आके लफंगे गुंडे भागे, पाकिस्तान के हमला करते आतंकवादी। हाँ। और तब ये जो भाई एक्सीडेंट जो प्राइम मिनिस्टर बने, खुद कहा जाता उनके पीए ने कहा था। हाँ। कहा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हाँ। उस प्रकार मानते एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जी, तो इसमें नई चीज क्या है? ये तो मनीष तिवारी केवल एक स्वीकारोक्ति है कि गलती हो गई, लेकिन पहले क्यों नहीं कह पाए? इस्तीफा देके बाहर आ जाते, जैसे महावीर त्यागी ने किया था उसमें, जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद से आए थे करके अयूब खान के साथ। हिम्मत होनी चाहिए। युवा नेता मनीष तिवारी जवान नेता है, लड़ाका है, यूथ कांग्रेस के नेता रहे, क्या दिक्कत थी उनको? हटा देते पार्लियामेंट से, टिकट न देते अगली बार, इतिहास में अमर हो जाते। अब आप बासी खाना खिला रहे लोगों को। हाँ। इतने सालों बाद। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, ये जो अशोक की जो नीति रही है कलिंग के बाद कि सहते जाओ भुगतते जाओ, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, वो भी यही करते थे। जब बम फूटा, जब हमला हुआ संसद में, तो अटल जी विचाराधीन थे, विचार करते रहे, और वही 2611 की पुनरावृत्ति थे जो पार्लियामेंट में हमने की। सेना थी वहां, आदेश देते थे जैसे मोदी ने किया है। हाँ। पाकिस्तान को सबक हो जाता पार्लियामेंट में हमले के बाद। अटल जी, हमारे मनमोहन सिंह, हम क्या इनकी चर्चा करेंगे? ये दोनों प्राइम मिनिस्टर पे एक्सीडेंट थे। अगर हिम्मत वाले होते तो आज ये
विरमगाम के चाय वाले का बेटा जो देश चला रहा है कर दिया, इसे पुलवामा में दिखा दिया, भले ही वो चुनावी चुनाव के पहले रहा हो, लेकिन एक नजीर पेश हो गई जो इसराइल करता था अरबों के खिलाफ, अकेला इसराइल छोटा देश 11 अरबों राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा था और नासिर था उसमें, उनको हराया, क्यों नहीं कर सकते भारत में। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि विक्रम राव कि जब मौका था कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने गवा दिया, लेकिन जब एनडीए सरकार के पास वो मौका आया तो एनडीए सरकार ने उस पर मौके पर चौका मार दिया। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल तेज टिक्कू जी जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे उस समय ये जो फैसला लिया गया उसे किस नजर से देखा जाए। कहा जा रहा है उस समय के एयर चीफ मार्शल अनुमति मांग रहे थे लेकिन सरकार फैसला नहीं ले पाई, सोनिया गांधी ने मना कर दिया, ऐसे में क्या कहा जाए? अब इतने सालों के बाद मनीष तिवारी इस गलती को किताब में लिख रहे हैं, उस समय क्यों नहीं उनकी हिम्मत हुई, इस्तीफा दे देते, स्टैंड ले लेते। ऐसा है कि जो भी कांग्रेस के मिनिस्टर थे उस समय, और हमें मालूम है कि मनीष तिवारी जी एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर के ओहदे पर थे, उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, उसके बाद मिनिस्टर बन गए। ऑब्वियसली वो उस टाइम बोल नहीं सके क्योंकि उनका करियर स्टेज पर था, वो अपने कांग्रेस हाईकमान के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते थे। हाँ। और अब उनके पास कुछ है नहीं क्योंकि अब कांग्रेस सरकार में नहीं है, कब सरकार बनाते हैं वो तो समय ही बता पाएगा, तो अब वो उनको करियर की चिंता नहीं है, लेकिन अब उनको सच बोलने का एक मौका लग रहा है तो वो सच बोल रहे हैं कि भाई ये इतना जबरदस्त हमला था बॉम्बे के, देखिए इसको मुझे लगता है पहले तो हम इसको पार्लियामेंट अटैक के साथ हमें नहीं इसकी तुलना करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि पार्लियामेंट अटैक में अगर आप देखें तो तकरीबन सभी जो थे वो लोकल कश्मीरी थे उसमें, हालांकि प्लानिंग तो पाकिस्तान में हुई थी लेकिन वो कश्मीर की, ये तो टोटल अटैक 10 से 6 आदमी पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान के कार्गो शिप में आए, उप मुरीद के में जमात दावा के मरकज में थे, फिर मुरीद के से कराची में आए, कराची प्रोजेक्ट के तहत ये पाकिस्तान का कार्गो शिप इस्तेमाल किया गया, फिर एक इंडियन फिशिंग बोट को हाईजैक, ये टोटल पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान का हमला था भारत के ऊपर एक्चुअली, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जरूर कुछ तो कुछ कार्रवाई, फौजी कार्रवाई इस समय होनी चाहिए। और जो ये आज बता रहे हैं कि नहीं हमारे पास फोर्सेस कम थे, हमारे पास एयरक्राफ्ट अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, ये सब झूठ है। बात ये है कि हिम्मत नहीं दिखाई, या हिम्मत नहीं दिखाई या कुछ और कारण है, मुझे लगता है इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्यों उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, देश के ऊपर हमला था। हाँ, तो इसका जवाब तो देना चाहिए, जवाब इसका देना चाहिए। ठीक है, राहुल लाल जी आप क्या कहेंगे, उस समय की सच्चाई अब निकलकर सामने आई। देखिए, मैं यहाँ पे पैनल में जो जितने सारे लोग हैं उन सबों से मैं लगभग असहमत हूँ। उस समय के अगर पूरे के पूरे अगर हम लोग देखते हैं कि 26 नवंबर 2008 को जो घटनाक्रम घटी थी और उसके बाद तमाम तरह से, मैं दर्शकों को ध्यान दिलाऊं कि 15-15 डोजियर जो है एक तरह से पाकिस्तान को सौंपे गए थे, आज अगर पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है तो उस पूरे घटनाक्रम का काफी जबरदस्त जो है कि हाथ है, हमारे सीमाओं को तमाम तरह से जो चाक चौबंद जिस तरह से किया गया था वो पूरे घटनाक्रम बिल्कुल इतिहास साक्षी है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में एक अंतर है, देखिए उसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के साथ सीमा सुरक्षा के मामले को उठा के उसको चुनाव के लिए प्रयोग करती है। लेकिन राहुल जी, छोटा सा सवाल, आपकी घटनाएं भी मैं सुनू, लेकिन छोटा सा सवाल ये कि जब एयर चीफ मार्शल इजाजत मांग रहे हो, अनुमति मांग रहे हो एक्शन लेने की, इंतजार में बैठे हो, देश की सेना पूरी तरह से तैयार हो देश के दुश्मनों को नाकों जमाने के लिए, आप डोजर्स में उलझे हुए, उस समय फैसला लेने की आवश्यकता थी। फैसले लिए गए, वही मैं बता रहा हूँ, फैसले लिए गए जिस प्रकार के फैसले की आवश्यकता थी उस समय के, उसी हिसाब से कठोर फैसले लिए गए उस समय। और आज जो है हम लोग तमाम जो वहाँ के संगठनों को, आतंकवादी संगठन चीन के रोक के बावजूद भी हम लोग कामयाब रहे कई मामलों में, चाहे वो असूद अजहर का मामला हो या अन्य मामला हो, उसमें इसी घटनाक्रम का हाथ रहा। मैं अभी बता रहा हूँ
देखिए कांग्रेस एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनाव से जोड़कर नहीं देखती थी, यह कांग्रेस की स्थिति रहती थी, भारतीय जनता पार्टी इसको चुनाव से जोड़कर देखती है। आप देखिए 14 फरवरी 2019 को घटनाक्रम घटा पुलवामा अटैक, उसके ऊपर इन्होंने जो है कि एयर स्ट्राइक किया, वो काफी बड़ा सा इन्होंने प्रत्युत्तर दिया। इसी तरह से आप अगर देखेंगे सितंबर 2016 में जब उरी का अटैक होता है तब भी एक जोरदार जवाब जो है कि पाकिस्तान को दिया जाता है। अच्छा आपके मुताबिक अगर बीजेपी होती तो चुनावी कॉन्टेक्स्ट में फैसला लेती, लेकिन कांग्रेस थी तो चुनाव के इर्द गिर्द कोई फैसला नहीं लेती, इस वजह से शायद नहीं ले पाई। दिनेश जी इस पर जवाब देना चाहिए, दिनेश जी जल्दी से, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। शिल्पा जी असल में क्या है, देखिए बात पूरी नहीं, इस तरह की बात जो है बचकाना बात, मेरी बात पूरी हो गया, दिनेश जी का जवाब तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा, लेकिन सुन लीजिए दिनेश जी, झुक झुक जाइए जल्दी से, जल्दी से। आप पठान इतनी बात कह दी, अभी आप कुछ बहने के लिए बचा दे, राहुल लाल जी ठीक है, आपकी बात के लबल बार यही है ना कि चुनाव के हित के लिए देश के लोगों का वोट पाने के लिए बीजेपी ने वो स्ट्राइक करवाई ताकि देश का एक मत वोट उसे मिल सके। ठीक है ठीक है, लाभ सेना लाभ लेती है क्या, शर्म नहीं आती। और सोच लीजिए आपकी तो रणनीति, कांग्रेस पार्टी की तो रणनीति ये रही, बाटला इनकाउंटर में जब शहीद हुए, क्या सुन लीजिए, आतंकवादी शहीद होते हैं तो सोनिया गांधी रोती है। ठीक है, सोनिया गांधी रोती है। चलिए ठीक है सर, आप दोनों को मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, मेरी मजबूरी है, मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जाने की कोशिश कि मनीष तिवारी ने उस समय क्यों नहीं बोला था, मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हुए थे, या अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी हो रही थी। वक्त छोटे से ब्रेक का लौटेंगे, चल पढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, चर्चा हो रही है मनीष तिवारी की किताबी बम पर, कि अपनी ही सरकार पर उन्होंने क्यों फोड़ा ये किताबी बम, किताबी बहाना कहां है निशाना, क्यों कांग्रेस सरकार ने 26/11 हमले का जवाब नहीं दिया, क्या यूपीए सरकार ने आतंकवादियों पर सख्ती नहीं बरती, कब दूर होगी आखिरकार कांग्रेस की आंतरिक कलह, और बार बार कांग्रेस में क्यों उठ रहे हैं इस तरह के बिगड़े हुए सर। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोज रहे हैं, हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ, एक बार फिर से पैनल के पास आते हुए राहुल लाल जी, आप बस मुझे इतना बताएं कि तमाम राज्यों में चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस नेताओं का इस तरह से ये दर्द बयां होता हुआ, कई नेता नहीं है या इनका राजनीतिक विश्लेषण कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को किस हद तक इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। शिल्पा जी, मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कई बार कहा है कि G23 ग्रुप के जो नेता हैं वो एक तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के तरह भांति उनका व्यवहार रह रहा है। जैसे जैसे चुनाव का समय और करीब आएगा आप देखिएगा कांग्रेस को नुकसान करने वाले बयान वो लोग लगातार देंगे, इसलिए कांग्रेस को अब बहुत एक वो समय आ चुका है कि कांग्रेस इन लोगों के ऊपर कोई ना कोई निर्णायक जो है कि अब दो ही विकल्प है, या तो इन लोगों को मना ले, G23 ग्रुप को या तो मना ले, इनकी सारी शिकायतों को दूर कर दे, या तो फिर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दे, दो ही विकल्प है। ये स्थितियां हैं, चूंकि देखिए जब आप मंत्री पद पर बैठे हुए थे और आपको लग रहा है कि उस समय देश और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सही निर्णय नहीं थे, तब आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया, बिल्कुल, तो उस समय आप जो है कि लगातार मंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे, सत्ता की मलाई ले रहे थे, तो यह सवाल उठता है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं फिर से कहूंगा, चूंकि फर्स्ट प्रथम खंड में आपने मेरे बात को पूरा नहीं होने दिया था, मैंने बोला कि देखिए 2 जनवरी 2016 को पठानकोट का घटनाक्रम घटता है, उस समय हाल फिलहाल में कोई भी चुनाव नहीं था उत्तर कहीं पे भी देश प्रदेश में, तो उस समय ISI के लोग आए थे जांच करने के लिए भारत, आज अब आप देखिए कि उसकी स्थिति क्या हुई, यहाँ की सारी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान के पास चली गई, आप देखिए कि 5 साल बाद फिर से जो है कि पठानकोट के द्वार पर फिर से गलत हमला करने का प्रयास किया गया, तो ये जो चुनाव के खातिर जो आप राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाते हैं दिनेश जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा गंभीर आरोप, दिनेश जी जवाब दे कि चुनाव की खातिर राष्ट्रीय सुरक्षा तक को बीजेपी दांव पर लगा देती है, दिनेश जी स्थिति क्या है, राहुल लाल जी को असल में क्या है, इतने कांग्रेस भक्त हो गए हैं जिनको समझ ही नहीं आता क्या करना। राहुल लाल जी आपको याद है गुलाम नबी आजाद गए थे जम्मू कश्मीर, सुन लीजिए गए थे ना पाकिस्तान में, उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान को साथ आना पड़ेगा मोदी को हराने के लिए, और जब जब जरूरत पड़ती है तब तक सिद्धू को भेजते हैं पाकिस्तान, अभी भी भाई बता कर रहे हैं सारे G23 के नेता ही है, आप उन्हीं के बयानों को कोट कीजिएगा, वो कांग्रेस के नहीं है, वो दरअसल आप ही के नेता है,
तो फिर विजय कौशिक जी अगर ये G23 के नेता कांग्रेस के लिए इस हद तक घातक साबित हो रहे हैं तो क्यों इन्हें बाहर का कोई रास्ता नहीं दिखा दिया जाता, क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? राहुल लाल जी भी इसी बात को उठा रहे हैं। मनीष तिवारी उस समय विजय कौशिक जी आगे भी बताना चाहिए, ठीक है, मनीष तिवारी को बताना चाहिए कि क्या मनीष तिवारी जी ने ठीक है सरकार को कहा था। लेकिन राहुल लाल तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी बयानबाजी अभी तेज होती जाएंगी। इस पर मैं जल्दी से विजय कौशिक जी आपसे जवाब लूंगी, क्यों फिर इन नेताओं को इलाज कांग्रेस नहीं ढूंढ पा रही? इनके प्रवक्ता कहें कि मनीष तिवारी जो है स्लीपर सेल है भाजपा के, कहें? नहीं नहीं सुनिए, पहली बात, अरे कमाल है, आप इन्हें चुप कराइए पहले। देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके चलते सभी नेताओं को अपनी बात कहने का रखने का हक है। अब भाई ठीक है, आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं अपने नजरिए से, लेकिन ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। उनके नीति मानती है कि अगर वो देश विरोधी कुछ कर रहे हैं तो देश की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जहां तक सरकार की बात है तो मैं एक बात स्पष्ट बता दूं, यूपीए गवर्नमेंट ने कभी भी आतंकवाद को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कभी कोई समझौता नहीं किया। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जितने ज्यादा आतंकवादी कांग्रेस सरकार के समय में मारे गए हैं भाजपा के साथ उनकी तुलना कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आतंकवादियों के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई हमारे समय में हुई। डेली आतंकवादी हमले होते थे। आर यू दिनेश, आर यू आपके पास एक सेकंड है, प्लीज वन बाय वन सभी लोगों को क्लैरिटी के साथ बात पता लग पाए, प्लीज वन बाय वन बोलिए बोलिए जल्दी से, शांत कीजिए। देखिए मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार ने आज तक जो भी दावा किया है वो ये किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकी संगठनों के खिलाफ की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई करने का सर बच्चा बच्चा जानता है कि उन संगठनों के पीछे किसका हाथ है। आप अभी इस पर सबूत मांग रहे हैं क्या? आपको अभी इसमें कोई दो राय है क्या? सुनिए ना, चलिए ठीक है, देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुख्य, आप मेरी बात कम से कम मोदी सरकार ने इतना किया तो सही, आपके कितने हाथ बांधे हुए थे? पाकिस्तान के प्रवक्ता होकर बैठते हैं, क्या स्थिति हो गई? प्रचार नहीं किया कांग्रेस ने, उसे चुनावी एजेंडा नहीं बनाया, ये बीजेपी के हिम्मत ही नहीं हो पाई। आज आपके नेता ने कहा कि आपकी सरकार में नैतिक साहस नहीं था, हिम्मत नहीं था भाई। चाइना आपने 36/11 में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, जो एनएसजी के कमांडो शहीद हुए थे, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उनकी शहादत को अपमानित करने का काम किया है। आपको आज बताना चाहिए, आज आपको बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी का क्या रिश्ता है पाकिस्तान के नेताओं के साथ? उस समय देश की संप्रभुता के साथ, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ आखिरकार इतना ढुलमुल रवैया कैसे अपनाया गया, इस बात का जवाब तो देना होगा। हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू भी लगातार जुड़े हुए। कर्नल साहब, राजनीति की यही सबसे बड़ी विडंबना है, आरोप प्रत्यारोप में चले जाते हैं, समाधान नहीं खोजते हैं, या राष्ट्र की सुरक्षा के साथ क्या किस समय होना चाहिए था उस पर कोई बात नहीं करते हैं, बस तुम्हारी ये गलती अपना पाक साफ। ऐसे में राष्ट्र की सुरक्षा के साथ सर किसी भी स्तर पर खिलवाड़ ना होने दिया जाए, ढोलमोल रवैया ना अपनाने दिया जाए, इसको लेकर राजनीतिक दलों को किस तरह से सोचना होगा? मैं एक दो पॉइंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नहीं, कर्नल साहब से एक बात और पूछ लीजिए, चीन जो भारत में घुसकर बैठा है, चीन के साथ युद्ध छेड़ना चाहिए या नहीं छेड़ना चाहिए? अलग है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के अंदर ISI आतंकवादी संगठनों को चलाता है, बिल्कुल, और मुंबई सही कह रहे हैं जो था इसमें ISI क्लियरली इन्वॉल्व था। आपको मालूम होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा को 30 नवंबर को इंडिया ने बोला था कि आप हमारी शामिल हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने पहले तो बोला वो आ जाएगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद उन्होंने मना किया, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर शुजा पाशा यहाँ आएंगे तो पूरा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा प्लानिंग जो है पिछले 30 साल से वो ऑपरेशन ऑफ टोपैक के नीचे ISI करता है, और ISI जो है पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अंग है,
तो ये कहना कि आतंकवादी अलग है और सरकार अलग है, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात ये है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी नजर पीछे ले जाइए और देखिए कि 2004 से पहले और 2008 के बाद भारत के अंदर कितने आतंकवादी हमले हुए। गया, कानपुर, न्यू दिल्ली, अक्षरधाम, मैं कितने ही आपको टिक्कू साहब, टिक्कू साहब, और ये कहना कि 370 हटाने के बाद भी कश्मीर में क्या स्थितियां बनी हुई है, वहां पर अब टारगेट के लिए इसकी तमाम स्थितियां बन रही है। एक ही करके प्लीज राहुल लाल जी, अगर आपको सवाल पूछना चाह रहे हैं सर, एक सेकंड नहीं कर पाए। कर्नल साहब, राहुल लाल जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं के साथ उनका सवाल। बोलिए बोलिए, पूछिए अब राहुल लाल जी। मेरा सवाल केवल टिक्कू साहब से मेरे केवल दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जिस तरह से अगर उसमें ISI का इन्वॉल्वमेंट था 26 नवंबर के घटनाक्रम में, तो फिर आखिर ऐसी क्या स्थितियां रही कि पठानकोट मामले के जांच में सरकार, भारत सरकार ने ISI को अपने पठानकोट के एयरबेस पे बुला लिया, क्या ये घटनाक्रम सही था। दूसरा चीज कि प्रथम गांव बनने के बाद अब दूसरा गांव भी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर के भीतर बन चुका है। तमाम तरह की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसकी पुष्टि कर रही है। भारत सरकार उस मामले पर चुप्पी साध कर क्यों बैठी हुई है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पहली बात तो ये है, पठानकोट के मामले में ISI को निमंत्रण देना मैंने कभी डिफेंड नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर आतंकवाद चला रहा है पिछले कई सालों से, कश्मीर में 32 सालों से चला रहा है और पंजाब में उससे पहले चला रहा था, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि उन्होंने पठानकोट हमले के बाद किसको बुलाया क्या नहीं बुलाया। मैं रक्षा के मामलों में कमेंट कर सकता हूं, मेरा भी ये मानना है कि उनको नहीं बुलाना चाहिए। मैं रक्षा विशेषज्ञ के नाते आपसे पूछ रहा हूं, आपसे रक्षा विशेषज्ञ के नाते ही पूछ रहा हूं। मैं तो ये सवाल तो मैं बिना सीरियस से पूछ लूंगा, लेकिन आपसे रक्षा विशेषज्ञ के नाते पूछ रहा हूं कि क्या वो कदम सही था। क्या कौन सा कदम? ISI को बुलाना पठानकोट मामले में, ये जानना चाह रहे राहुल लाल जी। पठानकोट के कांग्रेस ने भी तो लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा को बुलाया था, आपने भी, वो तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और फिर मना किया, आपने भी तो बुलाया था। कांग्रेस ने किया तो क्या वही चीज को भारतीय जनता पार्टी भी दोहराई, सरकार दोहराई, वो क्या घटनाक्रम सही रहा, यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। दलगत भावना, ठीक है राहुल जी, आपको सवाल आ गया, एक बार उनको बोलने दीजिए। सरकार का फैसला है वो, मेरे ख्याल उसमें टिप्पणी करने की जरूरत, आप वो पॉलिटिक्स ला रहे हैं। ठीक है, हम तो मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने बोला कि कोई अटैक नहीं, और यही बात तो मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखी, जैसे 9/11 के बाद अमेरिका ने एक्शन लिया था, ठोस कार्रवाई की थी, वैसा ही हिंदुस्तानी सरकार को उस समय, जो कि यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय, करना चाहिए था। के विक्रम राव, राजनीति खूब हो रही है, लेकिन उस समय जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया, यानी कि मौका था कांग्रेस के हाथ में, वो कांग्रेस ने खुद ही गवा दिया। और अब जब मोदी सरकार ने उस मौके को भुनाया तो अब कांग्रेस को मिर्च लग रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, आऊंगी सर आपके पास। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक धारणा पैदा हुई है कि हम स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट को एक्सेप्ट करते हैं, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हमारे देश में कुछ भी करे और हम चुप करके बैठेंगे, हम 2 ईयर फॉरवर्ड करेंगे, हम स्टेटमेंट दे देंगे, हम निंदा करेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है कर्नल साहब, आपकी बात आ गई है। के विक्रम राव जवाब देना चाह रहे हैं। राव साहब, ये मुझे नेतृत्व की कायरता है, उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर रही। जब आज ये आदमी हमला बोल सकता है पुलवामा में, तो वो तो और दिग्गज थे। सरदार मनमोहन सिंह तो काफी अनुभवी आदमी थे, और उसके अलावा वही अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों को क्या हो गया। जब प्लेन हाईजैक होके जा रहा है और तो करोड़ों रुपए दे रहे उन आतंकवादियों को और छोड़ रहे हैं उनके आतंकवादी, ये अच्छी बात थी। विश्व में प्रचार हुआ कि हिंदुस्तान एक कमजोर देश है, इसराइल छोटा सा मजबूत देश है जिसे बड़े बड़े को ठीक कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ नपुंसक नेतृत्व था। ठीक है, ऐसे में क्या विक्रम राव, सीधा सा सवाल, इन तमाम विवेचनों की वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है? चुनाव सर पर है, तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
अरे मुझे बोलने दीजिए जी साहब, कर्नल साहब से कहिए थोड़ा चुप रहे। नहीं कर्नल साहब नहीं, वो राहुल लाल जी बीच में बोल रहे थे। ठीक है राहुल साहब, आप बोलिए, आप बोलिए कि कांग्रेस के विभीषण, चाहे सलमान खुर्शीद की बात कर ले, राशिद अलवी की बात कर ले, मनीष तिवारी की बात कर ले, कांग्रेस को कहां तक नुकसान पहुंचा रहे हैं? मनीष तिवारी के संदर्भ बताओ, मनीष तिवारी ने बड़ा अच्छी बात कही, हालांकि देर से आए, लेकिन सही बात की, कम से कम अंतर्मुखी होकर अपने पार्टी के अंदर की बातों पे विचार किया, विश्लेषण किया और बता रहे हैं। लेकिन पहले कर सकते थे इस चीज को, यही बात क्यों नहीं? मेजर जसवंत सिंह एक लिखना है कि वो कैसे गए वहां, आज आतंकवादियों को छुड़ा के छोड़ दिया वहां। मेजर जसवंत सिंह पहले को नहीं कर सकते थे, इस्तीफा क्यों दे सकते थे? इस देश में मुश्किल बात यह है कि इस्तीफा देना किसी की आदत नहीं है, पद से चिपके रहो और जब लात मार के भगाए जाओगे तब वो सब लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की बात करेंगे, तब उन्हें न्याय अन्याय की बात याद आती है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। दिनेश सिंह, सबसे पहले आपका फाइनल कमेंट। देखिए शिल्पा जी, ये आज कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवादियों और पाकिस्तान और चीन के प्रति उनका शब्द रवैया रहा है, ये आज कोई नई बात है। और हमारी सरकार बनते ही, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने कहा था हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। हमारी सेनाएं उस समय भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है, नो डाउट, लेकिन उस समय की सरकार में नैतिक साहस नहीं था। अगर उसमें नैतिक साहस होता तो शायद 26/11 हमले के बाद ही कार्रवाई रुक गई होती, लेकिन स्पष्ट करना चाहिए। राहुल लाल जी, उम्मीद करते हैं आपका फैन कमेंट चाहूंगी, यही बात तो मनीष तिवारी ने कहा ना, और इसमें क्या गलत कहा कि इच्छा शक्ति की कमी थी और वो जाहिर हुई कि किसके कहने से सेना को। ठीक है राहुल लाल जी, जल्दी से फैन कमेंट करना चाहिए मनीष तिवारी, उन्होंने पूरे बिल्कुल दी, इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी तो बताना चाहिए, बताना चाहिए मनोज तिवारी जी को कि किसके कहने पर, बताइए ना, या तो कहिए सोनिया गांधी के कहने पर, किसके कहने पर। ठीक है, ऐसे करके प्लीज, क्या विक्रम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल साहब आपका फाइनल कमेंट। राहुल जी सुन लेते हैं एक बार, राहुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाथ उठा रहे हैं अपना, बोलिए राहुल साहब फाइनल कमेंट। दो, अरे सुन लीजिए मेरी बात, दिनेश जी सुन लेते हैं, राहुल जी सुन लेते हैं, राहुल साहब दो वाक्यों में कह रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। दो वाक्यों में कह रहा हूँ, क्यों नहीं, यही नेतृत्व, यही पार्टियां थी, यही ऑपोजिशन पार्टियां थी, पुलवामा के बाद सवाल कर रही थी प्रधानमंत्री से, प्रमाण लाइए कि आपने हमला किया है, शर्म नहीं आई? देश की सेना हमला करके जा रही है और ये लोग सवाल करे, गैर कांग्रेसी पार्टियां सवाल कर रही है पुलवामा की सच्चाई क्या है? ठीक है, झूठ भी। कर्नल साहब आपके पास आते हुए आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, मौका तो कांग्रेस नेता ही नहीं दे दिया ना, बीजेपी को बैठे बिठाए। कर्नल साहब जाते जाते क्या कहेंगे आप? IC480 के हाईजैक होने के बाद हमारे गवर्नमेंट ने जो आतंकवादियों को छोड़ा वो बहुत गलत था, और 2008 नवंबर में हमने कोई कार्रवाई नहीं की मुंबई अटैक के बाद, वो भी बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, इससे एक धारणा पैदा हो गई कि हम एक सॉफ्ट स्टेट है, मुझे आतंकवाद को आतंकवादी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ये संदेश क्या था जो नहीं जाना चाहिए था। विजय कौशिक जी जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपका, कांग्रेस को किस हद तक इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और क्या करेंगे आप इन G23 ग्रुप वालों का? देखिए हमें इनका कुछ नहीं करना, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, उन्हें अपनी बात कहने का हक है, भाजपा में लोकतंत्र है ही नहीं, किसी में दम नहीं है कि मोदी जी की जो कहानियां हैं उनको गिना सके, भाजपा का कोई नेता कोई उनकी असलियत को उजागर कर सके। मैं केवल ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मोदी जी, अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने आकर गांव बसा लिया है भारतीय भूमि पर, आप चीन के खिलाफ युद्ध छेड़िए, आप पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़िए, देश की जनता आपके साथ है। अगर आपको लगता है युद्ध सभी समस्याओं का हल है, दूसरे पर उंगली उठानी आती है, अपने गिरेबान में झांकने के लिए कोई तैयार नहीं होता। चलिए बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मनीष तिवारी ने ये जो किताबी बम फोड़ा है, इससे पहले सलमान खुर्शीद आए थे, इससे पहले राशिद अलवी भी आ चुके हैं, और अब मनीष तिवारी का ये किताबी बम कांग्रेस पर किस हद तक भारी पड़ने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि
कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है अपने आप को मजबूत करने के लिए, तमाम विधानसभा चुनावों में अपनी पकड़ बनाने के लिए, लेकिन क्या करें, कुछ कांग्रेस नेताओं ने मानो कसम खाई हुई है कांग्रेस को जीतने ही नहीं देना और रहना भी कांग्रेस में ही है। अब कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।